नमस्कार, प्रथम खबर को स्वागत करुछु मु शक्ति बुलेटिन ने आकु पढ़िबा किंतु प्रथम देखनेबा कण रहिछि वर्तमान रा हेडलाइंस। आज अंतर्जातीय जलवायु सम्मेलन को संबोधन करिवे प्रधानमंत्री। जातीय हाइड्रोजन मिशन नै हेबा आलोचना, उत्पादन और रप्तानी रे भारत को विश्व रे हब करिबा मोदी सरकार का लक्ष्य। अफगानिस्तान कब्जा पर एवे सरकार गठन, आजठू अफगान रे होई पारे तालिबान सरकार, हेबतुल्ला अखुंद ज्यादा होई पारंती राष्ट्रपति। पूरा प्रक्रिया रे चीन रे भूमिका को नहीं संदेह। सुरक्षित अचित महाप्रभु रत्न अलंकार, रत्न भंडार खोलिबा को पुणी जोर धरिला दाबी। परिचालना कमिटी निष्पत्ति को काहिंकि चापी रखिछंती राज्य सरकार, राज्यपाल चिठी को मध्य अणदेखा अभियोग। जेल गले हत्या अभियुक्त बापा और पुआ, जमीन नामंजूर पर खोर्धा सफ जेल हला नुआ ठिकना। चारियाड़ विरोध स्वर पर बीजेडी नेता भंड गुरुजी और पुओ को गिरफ्त करी पुलिस। कांथ कहला गुरुजी बीजेडी लिंक। एसएफ सौम्य मृत्यु मामलें विद्या भारती को माराथन जेरा, 6.5 घंटा जेरा सह पचरा गला 70 प्रश्न। सेपटे सौम्य परिवार लोकों अभियोग, पुलिस जाऊथिबा रास्ता को अपनाई क्राइम ब्रांच, सीबीआई तदंत पाई दाबी। अशी हजार टंका राजधानी किम्स हस्पिटाल बंधा पड़ी शव। किम्स कर्तृपक्ष शव देन अभोग आणले पर लोके। 27 वर्षीय प्रमोद नायक 10 दिन होगा आडमिट थे, 2 दिन पर परिवार को मिला मृतदेह। भारतमाला परियोजन कालिया गुरा एवं बंश गुरा सेक्शन को 6 लेनकरण 1,539 कोटी अनुदान। ट्वीट करी प्रधानमंत्री मोदी केन्द्रमंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद जनइले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, कहले भारतमाला परियोजना ओडिशा हेब बेस सहायक, भित्तिभूमि विकास सह पर्याप्त निजुक्ति सुजोग सृष्टि हेब। युवकों न्यारा प्रयास, चाष और चाषी उन्नति प्रस्तुत कले नुआ जंत्र, स्वल्प मूल्य करहब पापागर पूर्वानुमान, प्रयास को अंचलवासी प्रशंसा। आज अंतर्जातीय जलवायु सम्मेलन 2021 को संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम में परिवेश मंत्री भूपेन्द्र सिंह यादव, शक्ति मंत्री राजकुमार सिंह, रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी और भारत यूरोप उच्च पदाधिकारी सामिल हेबे। अगस्त 15 रे जातीय हाइड्रोजन मिशन आरंभ करने को घोषणा करथिले प्रधानमंत्री। सबुज हाइड्रोजन उत्पादन और रप्तानी पर भारत को विश्वस्तरीय हब करने तांका सरकार का उद्देश्य बोली प्रधानमंत्री कहिथिले। आज अफगानिस्तान रे सरकार गठन ने घोषणा करी पारे तालिबान। तालिबान हेड हेबतुल्ला अखुंद जादा हेबे नुआ अफगान सरकार रा मुख्य। अफगानिस्तान परवर्ती सरकार रे प्रधानमंत्री पद रहिबो बोली मध्य जातीय गणमाध्यम रे रिपोर्ट प्रकाश पाई। तालिबान कर्चुलार कमिशन रा अन्यतम सदस्य अनामुल्ला समनगनी ए सूचना देछन्ते। से कहते तालिबान नेता मुल्ला हेबतुल्ला अखुंद जादा नुआ सरकार रा मुख्य हेबे। से आहुरी मध्य कहते घोषणा करा कर इस्लामीय सरकार हेब, जनता एक आदर्श सरकार। ए सरकार रे विश्वस्त कमांडर उपस्थिति संबंध रे संदेह नहीं, से हेबे सरकार रो नेता। व्हाट काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट विल अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म इज अ बिग क्वेश्चन मार्क एंड इट इज फॉर द होल वर्ल्ड टू वेट एंड वॉच एंड सी that what does Taliban do and what kind of strategies do they form and what kind of constitution do they form and how do they want to govern the country, how do they wish that the people should participate in the governing of that place of the country, and all these things are yet to be known. So it's a all hodgepodge situation currently in Afghanistan, because you can't expect terrorists
to rule the country, and terrorists are preparing for an inauguration. Whom all are they going to call for the inauguration? So none of the Afghanistan people are going to come. They might, you know, simply kind of blow up certain bombs, and that's it. Nothing more can they do to prepare for the inauguration. So it's again a whole wishy-washy scenario which is going to happen. So it's wait and watch for the world. श्रीमंदिर रत्नभंडार अलंकार गणति को नहीं पूरी जोर धरी दावी राज्य सरकार का भूमिका को नहीं एवं प्रश्न सृष्टि रत्नभंडार अलंकार गणति को नहीं लोके दावी कर राज्य सरकार एने टाड़टूल नीति आपणाई से एप्रिल 4, 2018 भुवनेश्वर होता परिचालना कमिटर निष्पत्ति अणदेखा करदेह सृष्टि महाप्रभु रत्न अलंकार सुरक्षित रही ना नहीं रत्न भंडार सुरक्षित अच्युत महाप्रभु रत्न अलंकार कहीं परिचालना कमिटी निष्पत्ति को चापी रखिंट राज्य सरकार राज्यपाल चिठी को अणदेखा कर पक्षर किए चाबी हजिबा नहीं तदंत कमिशन दे रिपोर्ट सार्वजनीन केव रत्न भंडार प्रसंग में राज्य सरकार आभिमुख्य को देखी सन्देह बढ़िवे लगी महाप्रभु अलंकार गणति को नहीं जड़े भक्त चिठी मध्यम 7 सेप्टेम्बर 2019 राज्यपाल दृष्टि आकर्षण करते संपुक्त चिठी को गुरुत्व नहीं 23 सेप्टेम्बर 2019 आईन विभाग को पदक्षेप ने चिठी लिखिते राज्यपाल या सत्वे राज्यपाल चिठी को अणदेखा करने को नहीं उठी विरोध स्वर महाप्रभु रत्न अलंकार गणति को नहीं दीर्घ वर्ष धरी विभिन्न संगठन और भक्त दाबी कर पछघुंचा दे राज्य सरकार केवल एति नुहे चाबी हजिबा नहीं तदंत कमिशन जो रिपोर्ट देते सार्वजनीन कराकि राज्य सरकार आभिमुख्य सृष्टि कर प्रश्नवाची रघुवर दास मान्यवर आम जो न्यायाधीश सी रही जो रिपोर्ट देखते से रिपोर्ट से कौन देखते सार्वजनिक आवश्यक और रत्नभंडार तुरंत खोल आवश्यक रत्नभंडार को जो लाइट पक देखी सब सिंधुक मेला गला कुआडे कौ समय काले सरकार भांगी जीव बोली खोलूना जांच करूना रिपोर्ट को सार्वजनिक करूना कि मुख्य प्रशासक जो से दिन परिचालन कमिटी मीटिंग थी भुवनेश्वर तार जो रिपोर्ट जो यहाँ खोल जाए जांच करा जाए तो कहीं करा जाए 1978 मसीहा शेष थर पर महाप्रभु रत्न भंडार खोल जा अलंकार गुड़ को गणति कर पर हाईकोर्ट को निर्देश क्रमे 2018 एप्रिल 4 तारीख दिन एक 17 जणिया प्रतिनिधि दल रत्न भंडार स्थिति जांच जाते मात्र भितर भंडार गृहर चाबी नथिबारु सेमाने फेरी आसिथिले अन्यपक्षे भुवनेश्वर परिचालना कमिटी एक गुप्त बैठक होता 1978 मसीहार होता रत्न भंडार जांच तालिका अनुजाई अलंकार गुड़ी गणति करने बैठक में निष्पत्ति भी चापी दे राज्य सरकार प्रश्न उठू रत्न भंडारे रत्न अलंकार इनवेटरी निष्पत्ति चपा जा कहीं राज्यपाल निर्देश देते तुरंत पदक्षेप निजाऊ कौन पदक्षेप निगला से नहीं अभी मैंने आवेदनकारी को एक चिठी करेंगे सहित राज्यपाल कार्यालय को चिठी करेंगे मो पा कौन चिठी आज सुधा आसीना बर्तमान राज्य सरकार आने कहीं विलंब कर मंदिर सन्देह कोटी कोटी भक्त मान मंदिर सन्देह अच्छी रत्नभंडार को नहीं निश्चित भाव में गणदेखा कर राज्य सरकार और राज्य सरकार सामान्य प्रति आईन प्रति मत भ्रुक्षेप ना यहाँ निंदनीय कथा ये निंदा को निंदा करा सहित मुझे दावी करथाशीघ्र आईन विभाग ये भितर पदक्षेप नौ जे आम बर्तमान आसंता शनिवार दिन चीफ एडमिनिस्ट्रेटर निश्चित भाव आम गोटे रिप्रेजेसन देव जे आपण यथाशीघ्र रत्न भंडार खोलतु रत्न गणति करूँ एवं रघुवीर दास कमिशन रिपोर्ट को सार्वजनिक करूँ रत्न भंडार प्रसंग में राज्य सरकार का टाड़टूल नीति और भूमिका को नहीं सन्देह सृष्टि प्रश्न उठू रत्न भंडार में महाप्रभु अलंकार सुरक्षित अच्छी तत्कालीन मुख्य प्रशासक परिचालना कमिटी निष्पत्ति को राज्य सरकार निकट को पठाई ना नहीं जदि मुख्य प्रशासक परिचालना कमिटी निष्पत्ति को सरकार निकट को पठाई तेज सरकार रत्न भंडार इनवेटरी करने को पछाऊ कहीं पुरी वीडियो जर्नालीस्ट सनातन आलोक आशुतोष रिपोर्ट अर्गस न्यूज जेल गले हत्या अभियुक्त बीजेडी नेता तथा भंड गुरुजी मानस दास और तांको पुओ मनोरंजन दास जमीन नामंजूर पर खोर्धा सब जेल गले बाप और पुओ गतकाली भुवनेश्वर शहीद नगर स्थित बासभवन मानस को एवं खोर्धार मनोरंजन को गिरफ्त करथिला पुलिस तेबे मानस को चैंबर रो कांथरे थिबा फोटो भंड गुरुजी बीजेडी नेता संपर्क खुलासा करिछि केउठी सांसद प्रशांत नंदन के साथ तो केउठी विधायक सुशांत
राउत मानस फोटो लगी पूर्वतन सांसद प्रशन पाठशाणी पूर्वतन विधायक प्रियदर्शी मिश्र सहित भी रही मानस फोटो बीजेडी रे सामिल होगा समय मुख्यमंत्री भी फोटो कांथरे लगाई मानस अगस्त एक सत्यव्रत नायक को हत्या करी पोड़ी मानववाद संगठन सदस्य यह घटन मानस दास नाँ लगी दफा 302 मासे परे भंड गुरुजी को गिरफ्त कर पुलिस गिरफ्तारी पर खुशी जाहिर करिछंती अत्याचार शिकार पीड़ित माने एथ सहित मानस दास विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान नेबा को दाबी करिछंती बसंत नायक दादा लागिबे अपहरण करी हत्या करी शबटी को पोड़ी दे जेमिति कि एई अपराधर तथ्य प्रमाण नष्ट एवं कंप्लेनान को धमक चमक दे समस्त अपराध घटाई थिबारे अभियुक्त चारिटा बेले तदंतकारी अधिकारी गिरफ्त कले सात आठ वर्ष ताकाश जो निर्यातना आम पाई आम फैमिली बाराहाड़े रही पांच गाँव में कहीं क्या एकाठी हो पारू आम भगवान पाखे प्रार्थना करूँ से लोक को फाँसी दंड दि गले आमर निरीह आदिवासी हरिजन मैंने बहुत शांति रे रही बहुत धन्यवाद आपड़ो को धन्यवाद दूसरी सत मानस रिमांड तदंत करू दंड विधान हो दुई दिन बंधा पड़ा पर हस्पिटाल मुकुला मृतदेह 80,000 टंका दुई दिन भुवनेश्वर किम्स हस्पिटाल बंधा पड़ा शव 27 वर्षीय प्रमोद नायक डेंगू रोग से 10 दिन हेब किम्स हस्पिटाल चिकित्सित होते परिवार पक्षर चिकित्सा पर 2,00,000 टंका दि जाइला तेज रोगी को जोर जबरदस्त रखी बिल बढ़ा जा अभोग कर परिवार लोके डर है रविवार दिन आस कि 22 तारीख थी तापर एटी टेस्ट है कहले डेंगू डेंगू पर सोमवार दिन भल था मंगलवार दिन 12 भी मो सहित कथी 3:30 पर फेस्ट मारा मारा पर इंजेक्शन देले इंजेक्शन देला पर पटी नाक ब्लड बाहर तापर कहले से कोमा को पलैला तो नहीं आईसीयू रे रखागला तापर जो कहले दे 10,000 दे 8,000 दे 5,000 3,000 मेडिसिन आम सब देलु से तो आमको कही पारे ना आज ही कहते आम को पारू आप कौटी नहीं जाते आम पेमेंट आमको दे दिं के संभव बाबा आम गरीब लोक आम भी ना केवल भाई भाई गोटे भाई चल भाई की ज्वर होता आम एडमिट कलु दुई दिन पर आम से कहे डेंगू आम रविवार दिन एडमिट करलु दुई दिन पर कहे डेंगू आम डेंगू वार्ड को नेलु डेंगू वार्ड को नेला सी आमको कहले डेंगू में फिड्स मारा पूर्व फिड्स है आज 5-7 वर्ष कौन से प्रकार फिड्स मारू ना तो से फिड्स मारा फिड्स मारा से कौन देलापर अलरेडी ब्रेन कोमा को चलीगला से कहे आमको भेन्टिलेटर पर आम भेन्टिलेटर अलरेडी नहीं रखिले आम भेन्टिल कहे आमको कहले भेन्टिलेटर नहीं आपको भेन्टिलेटर रखा पड़े आम भेन्टिलेटर को छाड़ देगल एवं प्रोग्रेस किसी हुए आमको जना कि ब्रेन डेड होगा कौन से प्रकार जन कि आम खाली बिल और मेडिसीन चलता तेणु आम अलग डाक्तर सागर कथबार्ता होगा भितर सी अलरेडी आम जी जानलू ये तो अलरेडी डेथ ये आमको जनाऊ ना सी जो आम जो आप जो क्लिनिकल समरी जो मागती आम मागे नहीं देखल सार को सी आम आम यही विषय कहले ये जो अलरेडी डेथ सी आप जनाऊना आप टा पैसा पत्र दिंतु ना आम जो बंद करदेलु सी आज कहले डेथ एवं कौन जे आप बिल अच्छे 70,000 आप नदे आम छाड़बू ना आज जातीय शिक्षा नीति 2020 कार्यकारिता नहीं 45 जन केन्द्रीय विश्वविद्यालय कुलपति आलोचना करेंगे केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जोगे यह बैठक अनुष्ठित हो तेज कुलपति केन्द्रमंत्री प्रथम आनुष्ठानिक बैठक हो मंत्रालय मुखपात्र बैठक में एकाडेमिक बैंक अफ क्रेडिट अफलाइन और अनलाइन शिक्षा सह नुआ एकाडेमिक अधिवेशन आरंभ संपर्क में आलोचना होगा यह छड़ा शिक्षानुष्ठान
ग्लु ग्रांट और स्वाधीनतार 75 वर्षर उत्सव भि प्रसंग आलोचना करा जिवा। चाष चाषी खुशी खबर। सेप्टेम्बर 6 उत्तर संलग्न केन्द्रीय बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि संभावना एने आंचलिक पापाग विज्ञान केन्द्र पक्ष सूचना दीजाई। तेज आगामी 24 घंटा मध्य 14 जिलार किसी स्थान में घड़घड़ी से प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी कर तारीख पर्यंत राज्य में वर्षार परिमाण बढ़ 5 और 6 तारीख में अधिक वर्षा होगा नहीं आकलन करपाग विभाग। चलित बर्ष राज्य 29% नियंटिया वर्षा होता बेले 24 जिले में मरुड़ी परिस्थिति सृष्टि होई। इस संपर्क में अधिक सूचना पाए सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि स्वप्नांजलि महांती। स्वप्ना जो देखा जो भाई भाव में राज्य स्थिति वर्तमान रही नियंटिया वर्षा 29% 24 जिले में मरुड़ी परिस्थिति तो यह स्थित जो सूचना आसूरी ये को जिले में यार प्रभाव पड़े जो वर्षा कथा पूर्वानुमान करा जाए आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष। देखते शक्ति साई जो भाव में राज्य में मरुड़ी स्थिति उपजार संभावना थी कौटना कौटि ये जो लघुचाप जनित वर्षा अर्थात मौसुमी जनित वर्षा हम ताक कौटना कौटि मेटेबा बोली गोटे आशा करापे जहाँ भारतीय पापाग केन्द्र विभाग महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्र सूचना देते राज्य में आगामी 5 तारिख रु अधिक वर्षा हम अर्थात 6 रु 8 तारिख पर्यंत जो लघुचाप सृष्टि होती उत्तर बंगोपसगर में ताशार अधिक परिमाण में वर्षा हम जदि देखा जे जो भी भाव में राज्य में नियंटिया वर्षार स्थिति थी वर्तमान ये जो 29% नियंटिया वर्षा थी कौटना कौटि कमी बोली आशा करापे और चाषी और चाष व्यवसाय करुवा लोक मानी यह एक खुशी खबर और आश्वस्तिजनक कथे कहीं अगस्ट मस कथा देखूँ जो नियंटिया वर्षा थी सेप्टेम्बर मसरे जो वर्षा हम 6 रु 8 तारिख पर्यंत जो वर्षा हम यह 7 रे उपकूल ओडिशा छुईब और 7 तारिख रु ओडिशा रे अधिक रु अधिक वर्षार संभावना रही आज जदि देखा शुक्रवार आसंता 24 घंटा मध्य दक्षिण दक्षिण पश्चिम ओडिशा रे अधिक रु अधिक वर्षा हो पारे। सेपटे कोरापुट देखु गजपति गंजाम नयागढ़ ये सब अंचल मलकानगिरी कथा कहतु ये सब अंचल वर्षार परिमाण अधिक रन्य सबू जिला गुड़िकर घड़घड़ी सहित कम परिमाण में वर्षा हो पारे जहाँ सूचना रही है। सेपटे एसआरसी पक्षर सूचना दी जाइए जे जाजपुर भद्रक बालेश्वर एवं एपट जहाँ अंचल रही से जिला मानको येलो वार्निंग जारी कर सबू अंचल मानक अधिक रु अधिक वर्षा हो पारे जहाँ कहला जो भी भाव में नियंटिया वर्षा राज्य में देखा जाता है वर्तमान पर्यंत 29% नियंटिया वर्षा रही कौटना कौटि कम हो जहाँ सूचना रही जो पूर्वानुमान करा जे लघुचाप जनित वर्षा ओडिशा को अधिक परिमाण हम कि ना कहीं ओडिशार अधिक लोक संख्या एवं चासी जहाँ रही यह कहपे जे समस्त मनरे ये प्रकार गोटे आश्वस्ति रे कौ भाव में ओडिशार वर्षार परिमाण भल हम जो नियंटिया वर्षा था जदिव स्वाभाविक वर्षा ठार् अधिक हो पारे केन्द्र पक्ष सूचना आसी कि सेप्टेम्बर मसने आश्वस्ति खबर दे लघुचाप जनित वर्षा और ये जो वर्षा रु 8 तारिख ओडिशार अधिक रु अधिक परिमाण हम एवं जहाँ आशा कर 11 तारिख दिन आउ गोटे लघुचाप सृष्टि होबार आशंका रही। शक्ति साई धन्यवाद स्वप्नांजलि सूचना। स्वप्नांजलि महांती आम प्रतिनिधि जो भाई सूचना दूसरे गोटे लघुचाप नुहे दुई दुईट लघुचाप नहीं कि पूर्वानुमान कर तो जो चाषी मनरे आशंका था हे तो मरुड़ी होथर से चाष बुड़ी किंतु से वर्षा जदि हो राज्य अधिकांश जिले में यार प्रभाव पड़े जेहेतु पूर्वानुमान तेणु निश्चित भाव में चाषी चाषपाई एक खुशी खबर कहपर आग को मध्य जारी रहा खबर समय हो बुलेटिन आउ एक विरतिर। एसएफ सौम्य मृत्यु मामलें गिरफ्त हो पारती स्त्री विद्या भारती विद्यांकु तांक घरे माराथन जरा करिछि क्राइम ब्रांच रो 5 जणिया टीम प्राय 6 घंटार अधिक समय धरी जरा करा जाइथिबा बेले 70 टी प्रश्न करिथिला क्राइम ब्रांच आवश्यक पड़िले आज मध्य विद्या भारती को पुणी जरा करा जाई पारे बोली क्राइम ब्रांच पक्षरु कहा जाइछि। गिरफ हेबे कि विद्या भारती 6 घंटा जरा
70 ପ୍ରଶ୍ନ। ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସୁରାଖ ଖୋଜୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। 50 ଦିନ ପରେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଗୌଡ଼ ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍। 6 ଘଣ୍ଟାର ଜେରାରେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା 70 ପ୍ରଶ୍ନ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍ପି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପଚରାଉଚରା ହେବ ନା ଆଉ କିଛି ରହିବ ତଥ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ, ଆମର ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ କରାହେବ, ଆମର ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ PIO ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍। ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଜେରା ନ କରି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଜେରା କରାଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଭାଇ। ଜେରା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯାଉନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଭରସା ନଥିବା ବେଳେ CBI ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଭାଇ। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ବାବୁମାନେ PFO ଓ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା। ଆମେ ମୂଳରୁ କହୁଛୁ ଯେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଘରେ ତାକୁ ପଚରା ନଯାଉ, ଏଟଲିଷ୍ଟ କପ୍ତିପଦା ଥାନାରେ ତ ଆଣିକି ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିନୁ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଏଇ କେସ୍ରେ ମୋ ଭାଇ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ବି ମାନିଛି ଯେ ସେ ସବୁ ଦେଖିଛି, ପୋଡ଼ିଯିବାଟା ସେ ଦେଖିଛି ଆଉ ସେ ପାଣି ଢାଳିକି ଲିଭେଇଛି ନିଜେ। ତ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ମେନ୍ ଲୋକ, ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ତାକୁ ଯେହେତୁ ସେ ସତ କହୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତାକୁ କ'ଣ ପଚରାଯାଉଛି ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ତାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ସେଇଟା କରାଯାଉ, ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କରାଯାଉ, ତାକୁ କ'ଣ ପଚରାଯାଉଛି ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ତ ସେଇଟା ବି କରାଗଲା ନାହିଁ। ଆଜି ପଚାରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି, ସିଏ ବି ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ତେଣୁ ଆମର କାହାରି ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ପୋଲିସ ଉପରେ ତ ପୋଲିସ ମାସେ କାଳ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲା ପରେ ଯାହା ଦେଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି, ତ ଆମେ ବି ଜାଣିସାରିଲୁଣି। ତ ଆମକୁ କାହାରି ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ଆମକୁ CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଉପରୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ହାତ ଅଛି, ସେମାନେ ସବୁ ଚାପ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି, ସେ ପଇସା ଖୋର ଲୋକ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଅଛି ତ, ଆଉ DFO ଆଉ ଏମାନେ ସେ ଯେଉଁ ହେ କଲେକ୍ଟର SP ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ତହସିଲଦାର ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଚାକିରି କରିବା ଲୋଭ ଥିବ, ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ପାଇବା ଲୋଭ ଥିବ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍କୁ ଡରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଇଏ ଇନକ୍ୱାରି ଏଇଭଳିଆ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇଟା ଲୋଭ ନଥିବ ସେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କର, ତାହେଲେ ମୋତେ ଅଢ଼େଇ ଇଏ 2 ଦିନ ରହିଯାଉଛି, ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଏବଂ DFO ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା। DFOଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୋଗ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ କି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୋଗ୍ୟ? DFO ରୋଷେୟା ଓ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ କେବେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ସେଦିନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେବେ କି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦାରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ ସିମିଳାରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ରାୟପୁର ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡ଼ରର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 130 ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଳିଆଗୁଡ଼ା ବଂଶଗୁରା ସେକ୍ସନକୁ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କରିବାକୁ 1,539 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆସିଛି। ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗୀକରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ଏଥିସହିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭାରତମାଳା ପରିଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କେବଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସହାୟକ କରିବ ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ଗମନାଗମନରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ଭାରତ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 191 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଟିମ୍। ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି 50 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର 36 ବଲ୍ରୁ 57 ରନ୍ କରି ଭାରତର ସ୍କୋରକୁ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ତେବେ ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ
କ୍ରିଜ୍ରେ ଅଧିକ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ ଭାରତର ଆଗ ଧାଡ଼ିର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କ୍ରିସ୍ ୱାକ୍ସ 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଓଲି ରବିନ୍ସନ୍ଙ୍କୁ 3 ୱିକେଟ୍ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 53 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିନେଇଛି। ସଭା ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।